और बारिश हो रही है, नहा लो। डोर खोल लो ना। रामबरेला तो देखे जाओ, ध्यान से आंख में ना लग जाए। बारिश रुक तो नहीं गई? तो नहीं, हो रही है। मैं यहीं खड़ी हूँ, हसी देख के ऐसे लेके जाती हूँ। चलो हल्की है बारिश, है ना, तेज नहीं है। बादल तो बहुत गहरे हैं ना। आजा तो रमिया खान हो रही थी, पर अब तो वहां पे निकल गई है। हसीब कहाँ गया? उसे कोई नहीं रे। हसीब आसमान कितने प्यारे बादल हैं। नीचे भी कर सकते हैं। यही रोज, ज्यादा दूर नहीं जाना। यहाँ से ट्रैफिक गुजरती है, कारें वगैरह। वो देखो भाई, पतंग उड़ा रहे हैं। वो आगे पतंग उड़ा रहे हैं ना। कितना अच्छा मौसम हो गया है। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आपको तमाम हमारे साथ महफूज रखे। मेरा नाम इरफान है और आप देख रहे हैं फान टीवी। आज इस तरह है कि आज हमारे इधर बहावलपुर में जो है ना बारिश हो रही है, मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है। बड़ी अच्छी बारिश हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, तो उससे मौसम बड़ा खुशगवार और ठंडा हो गया है। तो मैं भी बच्चों को लेके ज़रा मौसम इंजॉय कराने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे मौसम में हम प्रेफर करते हैं बाइक पर जाना ना, तो बाइक पे मौसम ऐसे मौसम में निकलने का बड़ा मज़ा आता है। तो वो बच्चों को मैं साथ लेके निकल रहा हूँ, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें भी लेनी है, कि तो बच्चों के लिए तो वो भी ले लेंगे और मौसम भी इंजॉय हो जाएगा। चलो चलते हैं, अब चलते हैं। ये देखिए बाइक, मौसम बड़ा ज़बरदस्त है और हम निकले हैं जी बाजार की तरफ, और थोड़ा राउंड लगाने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। बाबा ये बहुत ठंडी हवा है। बहुत ठंडी हवा लग रही है आपको? आज हल्की सी बारिश हुई है और उससे बहुत मौसम ठंडा खुशगवार हो गया है, और हम बच्चों को लेकर निकले हुए हैं बाजार की तरफ। मौसम बड़ा अच्छा है। कुछ दिनों पहले हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी, रोड पे बहुत सारी चीज़ें मिली थी। आप कहाँ जा रहे हो? मतलब आप बाजार, वो आगे है, वो देखिए वो जो बड़ा होता है। चलो जी बनाओ बापू जी, दुकान ये हट जाओ ना, हिलो। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा रश है। बहुत ही बहुत ही बहुत ही मेरे हाथ हट गए हैं। अय्या मेरे हाथ हट गए। ये देखे रखा, रखा।
मैंने उल्लू की असली उल्लू की आवाज जी व्यूअर्स, अब हम घर आ गए हैं शॉपिंग करके। जो ज़रूरी चीज़ें लेनी थी वो ले ली हैं और मौसम का मज़ा भी ले लिया है। बहुत ठंड हो गई थी आज ना, मौसम बड़ा चेंज हो गया। अचानक थोड़ी सी बारिश हुई है तो मौसम बड़ा चेंज हो गया। सर्दी लग रही थी इवन के ना, ये हाफ स्लीव में। तो जो चीज़ें कुछ लेकर आए हैं अब आपसे हम शेयर करते हैं, तो आपको दिखाते हैं जी क्या क्या चीज़ें हम लेकर आए हैं। हाँ जी, ये चीज़ें जो हम लेकर आए हैं ये हैं जी, इन्हें आप बताएंगे क्या कहते हैं। ये कुछ हैंगर्स हैं बेसिकली ना, ये हैंगर्स हैं, ये हैंगिंग्स लेकर आए हैं। तो ये कपड़े लटकाने के लिए यहाँ ज़ाहिर है वो शिफ्टिंग के दौरान जो है वो चीज़ें वहीं छोड़ आए थे जो लगी हुई थी, तो यहाँ ला के लगाते हैं। और ये हम सूट लेकर आए हैं जी, ये मेरी जो भांजियों के सूट हैं तो उनके लिए लेकर आए हैं कुछ। ये ट्राउजर ब्लैक इसका दुपट्टा है और ये इसकी गर्मियों में ना वो सूट बेटा आराम से बेटा सिर्फ छोड़ दो तो लड़ते रहते सूट नहीं पहने जाते। ये इसके साथ स्टॉलर है दूसरा प्रिंट है तो ये ट्राउजर है इसके साथ और ये अच्छा और ये आ गया जी मैरून। हाँ जी ये मैरून सूट है, एक स्टाइलिश है ये कपड़े स्टाइल बनाए। और ये इसका तो ये है जी ट्राउजर भी बड़ा खूबसूरत है ना, ट्राउजर प्रिंटेड है, शर्ट प्लेन है। हाँ इसके साथ तो रेड दुपट्टा नहीं आई नहीं अभी तक। बट्टा भी ले नेक्स्ट टाइम कहे ना, एक ये रेड है। हाँ ये बड़ा ये लाइन है ना, ये लाइन इसी तरह ट्राउजर भी, ट्राउजर भी स्टाइल दिया हुआ है ना, ट्राउजर को और स्टाइल का लगता है मुझे। बेल बॉटम है जी, बेल बॉटम का ट्राउजर है ठीक है। इसके बाद लेकर आए हैं जी ये छोटे भाई के लिए सूट लिया है हमने। ये छोटे भाई के लिए सूट लिया है कभी, और ये मैंने अपनी जूते, ये अपने घर आम पहनने के लिए ना, बाजार के लिए या घर से निकलते हुए पहनने के लिए भी नहीं। हाँ ये बड़ी खुशी होता है, मैंने इसलिए ऊपर बोला जो लाइन वगैरह बीट्स वगैरह लगे होते हैं ना वो रस्ते में गिर जाते हैं, पता ही नहीं चलता। प्लेन तो ये फायदा होता है। ये मोहम्मद नवाफ है जी और ये मोहम्मद अली, हमने अपनी ईद की शॉपिंग शुरू नहीं की, वो लेंगे इंशाल्लाह अभी सैलरी आ जाए फिर लेंगे। तो ये देखें जी मोहम्मद सीप और ये मोहम्मद नवाब, ये आपस में सैटरडे को इसलिए शॉपिंग करके आए हैं। हाँ सैटरडे को मैंने अम्मी की तरफ जाना रहीमे खान, तो इसलिए फिर हमने ये चीज़ें ली हैं। ताकि ऐसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। और देखते रहें, शेयर करते रहें। और आजकल रमज़ान में काफ़ी टाइम होता है लोगों के पास, लोग खासकर रोज़ा रख के दोबारा सो जाते हैं, उठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं और इसी तरह सारा दिन गुजर जाता है। ठीक है जी, अब हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मनवा भी आ चुका है, अल्लाह हाफिज़।